जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सर्विस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02-2022 बैच नाविक GDDB यांत्रिक के एडमिट कार्ड के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स की जब मैंने क्लास लगाई थी आपकी जीके और जीएस की, तब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और हमारा एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा। तो एक के जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में जितने भी डाउट्स रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर और आपके एडमिट कार्ड को लेकर वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बात और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज जो आपकी क्लास है, आज आपकी क्लास जीके की सुपर 30 के साथ में आपकी क्लास लगेगी शाम को दोपहर को, मान लीजिए कि 2 बजे आपकी क्लास है, तो उसमें सभी लोग आए क्योंकि वो आपके लिए एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है उसका। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 20 दिन का समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो आप क्लास मिस मत करें, 2 बजे आप क्लास में जरूर आएँ। आपकी लाइव क्लास होगी जीके की, तो इस वजह से सभी लोग आए, अपने डाउट्स भी उसमें पूछ सकते हैं और आप अपना लेवल भी देख सकते हैं कि जीके की हमारी कैसी तैयारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले जो है वो बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड की बात करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम आपके ई एडमिट कार्ड की, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कि आपके चाहे नाविक जीडीटी का एग्जाम हो, चाहे डीबी का, चाहे यांत्रिक का, जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच या आपका यांत्रिक का, यहाँ पे ऐसा बाउंडेशन नहीं होता कि तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, तीनों का एक साथ एग्जाम होगा। जो भी 4 से 5 दिन आपके एग्जाम चलेंगे वो आपके कंटिन्यू चलेंगे और बस आपका शिफ्ट वाइज डिवाइड होता है। शिफ्ट में समझ लीजिए कि शिफ्ट वाइज कैसे डिवाइड होता है कि अगर आपका फर्स्ट में जीडी का हो गया, ऐसे मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट में जीडी का हुआ, सेकंड में तो फिर डीबी का होगा सारे स्टूडेंट्स का, और थर्ड में आपका यांत्रिक का होगा, ऐसे मान के चलिए, जैसा भी जिस शेड्यूल के तरीके से लगाया जाए। लेकिन ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी रहती है वो फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट में डीबी वालों की रहती है कि फर्स्ट में डीबी का एग्जाम होता है। तो ये जब आपका एग्जाम हो तो आपके तीनों पोस्ट का साथ में एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के यानी स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज फर्स्ट जिसको आप रिटर्न एग्जामिनेशन बोलते हैं, रिटर्न एग्जाम जो आपका होगा वो आपका मिड या एंड मार्च 2022, जिसको आप एंड ही मान के चलिए, यानी कि लास्ट मार्च में आपका एग्जाम होगा। और समथिंग अगर आप डेट बोले तो 24 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 24 मार्च से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड को अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि 10 डेज एगो, यानी 10 डेज पहले आपका, 10 दिन पहले आपका एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं होगा, ये जो एडमिट कार्ड होगा इसमें आपका एग्जाम सिटी और आपकी एग्जाम डेट के बारे में आपको बताया जाता है कि सिटी, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपका कानपुर में है, कि आपका लखनऊ में है, कि आपका प्रयागराज में है, या आपका कहीं भी आगरा वगैरह में है, जहां पर भी आपका सेंटर आपने फिल किया होगा वो आपका होगा। तो उसमें आपको सिटी के बारे में पता चल जाएगा 10 दिन पहले, और आपके डेट के बारे में पता चल जाएगा कि आपको किस डेट को है, 24 मार्च को है, 25 को है, 26 को है, जिस भी डेट को आपका होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये मान के चलिए ये जो आपका एडमिट कार्ड है जिसमें आपको सिटी और डेट के बारे में बताया जाएगा, ये आपको समथिंग 15 मार्च को ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि इसमें ऐसा होता है कि इसमें सभी का एक साथ बताया जाता है कि किस डेट को है और किस सिटी में है। ये ऐसा नहीं होता कि जिसका एग्जाम जब होगा तो उसका उसी दिन पहले आएगा। ये जो आपका जो डेट अनाउंस की जाती है और आपकी सिटी अनाउंस की जाती है, ये आपकी सभी की एक साथ की जाएगी। और समथिंग 15 मार्च को, यानी कि आज अगर हम डेट की बात करते हैं तो आपकी 24 फरवरी, तो ये आपके 4 दिन बचे और 15 ये, तो 20 दिन है टोटल मान के चलिए कि 20 दिन बाद आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके अनाउंस कर दिए जाएंगे आपकी, जिसमें डेट और सिटी होगी। फाइनल एडमिट कार्ड की बात करते हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है। एग्जाम सेंटर पर जो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होता है वो क्या होता है, वो आपका 2 से 3 दिन पहले, जिसको आप 48 घंटे या 72 घंटे पहले बोल सकते हैं, ज़्यादातर आपको 72 घंटे पहले आपका जो इंस्टीट्यूट होता है, आपकी एग्जाम की जो टाइमिंग होती है उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन कर दी जाती है, रोल नंबर वगैरह जो भी आपका होता है वो आपका सभी इसी एडमिट कार्ड में दिया जाता है, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड आता है एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ सेंटर एड्रेस विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन एंड ईमेल विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ईमेल आईडी 2 से 3 डेज प्रायर टू एग्जामिनेशन। यानी जैसे आपकी मान लीजिए कि आपका 24 मार्च को एग्जाम है तो आपको 21 तारीख को, यानी 21 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम सेंटर है उसका पंक्चुअल नाम कितना, नाम क्या है उसका, और आपकी टाइमिंग क्या रहने वाली है आपकी एग्जाम की। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है जिसमें आपका सिटी वगैरह आपको बताया जाएगा,
तो सिटी वगैरह आपको 15 मार्च मान के चलिए कि आपको पता चल जाएगा 15 मार्च को हमारी कौन सी सिटी में और किस डेट को है। फाइनल एडमिट कार्ड की बात करते हो, आपके जो एग्जाम की बात करते हो तो 24 मार्च से समथिंग आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस वजह से आपके एक्सपेक्टेड डेट मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके अगर हम दो एग्जाम की बात देखें, इंडियन कोस्ट गार्ड के अगर हम एग्जाम की बात देखते हैं तो आपके लास्ट में, आपके मंथ के लास्ट में ही एग्जाम कराता है ज्यादातर। अगर दो भी आप अगर पीछे के एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि मंथ के लास्ट में ही एग्जाम कराता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इस बार भी वही पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में, यानी कि आपके मार्च के लास्ट में होगा। अब हम बात करते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की डॉक्यूमेंट्री की, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत एकदम सख्त रहता है, जिसको आप मान के चलिए कि उसको अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका गड़बड़ होगा तो आपको वो मेल भी करता है। अगर आपने पिछली बार देखा होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स का अगर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुआ तो उनके ईमेल आईडी पे मेल आया था कि आपका डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुआ है, आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा बहुत अपना सख्त होता है। स्टेज फर्स्ट यानी रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना है, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड स्टेज फर्स्ट, जो आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो आपको कलर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कलर लेके जाना है। बहुत से स्टूडेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट ले लेते हैं अपना, वो उनको नॉलेज नहीं होती है कि ब्लैक एंड व्हाइट उन्होंने ले लिया, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अगर कैफे की दुकान नहीं मिली तो फिर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई अब हमको कहाँ से इसको प्रिंट कराने जाए, तो इस वजह से बहुत स्टूडेंट बाहर हो जाए। तो ज़्यादा आपको नहीं करना, सिर्फ आपको एक कलर प्रिंट आउट एक बार निकला लेना है, वो आपको लेके जाना है। मैं तो कहता हूँ दो आप लेके जाइए, कि अगर बाई चांस ऐसा होता कि वो कभी कभी अपने सामने फोटो को चिपकवाते हैं, सामने अपना सिग्नेचर करवाते हैं, इस वजह से दो लेके जाइए। अगर आपका एक खराब भी हो गया तो आप तुरंत दूसरा वहाँ पे ले लें। तो दो एडमिट कार्ड आप लेके जाइए, उसके कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको दूसरा काम आ जाए। तो यहाँ पर कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, उसके बाद ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड मेंशन जो आपने एप्लीकेशन में अपनी मेंशन की हो, जो अपनी फोटो आईडी जैसे आपने पैन कार्ड वगैरह किया होगा या आपने फिर आधार कार्ड, ज्यादातर सभी लोग करते हैं, तो आधार कार्ड आप अपना लेके जाएं अपने साथ। नहीं भी किया आपने आधार कार्ड तो भी आप आधार कार्ड अपना लेके जाएं। बात करें हम थर्ड नंबर पर तो ओरिजिनल आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी, ये पिछली बार से ही जुड़ा, इसके पहले नहीं जानी होती थी लेके, क्योंकि जब आपका 02nd 2021 का एग्जाम हुआ तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट लेके नहीं जाना था, लेकिन जब आपका ये जो एग्जाम हुआ 01st 2022 वाला, इससे आपका स्टार्ट हो गया आपको 10th की मार्कशीट लेके, तो आपको ओरिजिनल 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है एग्जाम सेंटर पर। फोर्थ नंबर पर बात करनी है आपको 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो आपने अपलोड की होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अपलोड की है आपने एप्लीकेशन में, वही आपको दो फोटो लेके जानी है पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज का जो आपने अपने एप्लीकेशन में लगाई होगी फोटो, अपना एप्लीकेशन फिल करते थे वही आपको सेम टू सेम वही फोटो लेके जानी है। आपने जो डेट ऑफ फोटो DOB यानी डेट ऑफ बर्थ के समय जो आपने एक फोटो खिंचाई होगी अपनी प्लेट से लेकर, तो वो ही आपको फोटो लेके जानी है जो आपने अपलोड की है। तो यहाँ पर आपको दो कलर्ड फोटो लेके जानी है जो आपने अपलोड की। फोर्थ नंबर पे ये ST ST वालों के लिए है, ST ST वालों के लिए, कि उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, 2 फोटोकॉपी उसकी, 2 आपको अटेस्टेड करके उनमें ले जानी है उसमें पंच करके, जिसमें आपका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट जो आप जिससे आप सफ़र करेंगे वो आपको लेके जाना है, और जो आपका पेमेंट का तरीका होगा वो आपको लेके जाना है, जिससे आपका जो टिकट का जो वो होता है रिफंडेबल वो आपको आ जाता है। वो सिर्फ ST ST वालों के लिए है, इसमें जो अदर कास्ट के लिए नहीं है, जो अदर कैटेगरी है उनके लिए ये नहीं है। तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का, चाहे जनरल का, चाहे EWS, चाहे वो OBC, तो वहाँ पर आपको इतने तो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ही जाने हैं, ये आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एग्जाम सेंटर के लिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का हो गया और आपके एडमिट कार्ड का हो गया। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।